हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए इंक्वायरी करते हुए, और मैंने सोचा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसे इसमें शेयर किया जाए इस वीडियो के मार्फत, ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है उसको इस वीडियो के मार्फत कुछ हेल्प मिले। तो दोस्तों, एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए बारे में मुझे उतना कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि ना मैंने कभी एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में कुछ उतना इंक्वायरी की है, ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है, ना कहीं से मैंने उसके बारे में ना मैंने वहाँ पर पढ़ा हूँ, ना कुछ ना कहीं। तो दोस्तों, मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पर देखे हैं, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है गैदर किए हैं, जो भी एक दो वीडियो बनाए हैं एमबीबीएस अब्रॉड में, चेक कर सकते हैं बांग्लादेश पर, उसके बेसिस पर आपको बता रहे हैं, और उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि ईयर गैप नहीं होना चाहिए, जैसे एक साल से ज़्यादा का ईयर गैप नहीं होना चाहिए। वो ईयर गैप आपको दो जगह पर देखने को काउंट करने के लिए देखने को मिलेगा। पहला जो है कनेक्ट, मतलब कि आपको 10 क्लास अगर पास हो जा रहे हैं तो उससे दो साल गैप ना करें इमिडिएटली। मिनिमम जो मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो एक साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम विदाउट गैप, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर उसमें अगर आप जाते हैं तो ईयर गैप का तो उसमें नहीं है, आपका 10 क्लास में और 12 के बाद एक साल से ज़्यादा का गैप नहीं है, तो आप फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। उसके बाद आता है कि दोस्तों आपका मार्क कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें 60% देखता है टोटल मार्क होना चाहिए, तो 60% एग्रीगेट में अगर आपका मार्क आया है तो आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये रही बात करने मतलब कि जो क्राइटेरिया की दो हो गई। उसके बाद आता है कि जैसे कि एमबीएससी का फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो एमबीएससी का अगर फॉर्म आप नहीं भी फिलअप किए हैं तो मुझे मालूम नहीं कैसे कैसे कंसल्टेंट सब वो एडमिशन दिला देते हैं, वो हमको पता नहीं, लेकिन नहीं भी किए हैं तो वो चल जाता है, वो उतना खास मैटर नहीं रखता है। उसके बाद आई कहने का मतलब कि एमबीबीएस इन बांग्लादेश में कि आपको क्या स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप में, तो वहाँ पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो भी 7 कंट्री है उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। 7 कंट्री में नेपाल भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और भूटान भी आता है, मालदीव्स भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, और पाकिस्तान भी आता है। तो जो भी 7 कंट्री है उसके लिए वहाँ पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और लॉट्स ऑफ जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं उसे वो हर साल स्कॉलरशिप के थ्रू बांग्लादेश में पढ़ने जाता है। तो वो बात रही, अब अगर जब स्कॉलरशिप में जाना है आपको, तो जब भी एमबीबीसी का फॉर्म आएगा आप एमबीबीसी ऑफ बांग्लादेश का जो वेबसाइट है उसे रिव्यू करते रहना पड़ेगा, और फेसबुक देखते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। जब भी आता है वो फॉर्म आपको फिलअप कर देना है अपने क्राइटेरिया फुलफिल से। तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक पासपोर्ट चाहिए, कंपल्सरी है, पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको फोटो होना चाहिए, उसके बाद रिसेंट तो फोटो तो खिंचवा लेंगे, पासपोर्ट आपको अर्जेंट नहीं बन सकता है। तो पासपोर्ट को आपको बनाने के लिए देखिए पहले ही आप दे दीजिए बनाने के लिए, अगर आप उस तरह से इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में, तो ताकि आपका पासपोर्ट बन जाए सस्ता में, और जब भी फॉर्म खुले आप इमिडिएटली फॉर्म फिलअप कर दो। ये बात रही दोस्तों बांग्लादेश के लिए। ये जो स्कॉलरशिप है वो इंडियन के लिए भी वैलिड होता है। अगर कोई बच्चा इंडियन है और वो स्कॉलरशिप के लिए मैंने पिछला 2 क्राइटेरिया बताया, वो 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो वो आपने कनेक्ट मतलब कि वो भी अपना पासपोर्ट बना कर रखे, और जब भी बांग्लादेश एम्बेसी का फॉर्म है स्कॉलरशिप वाला वो फिलअप कर दे और उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और रही बात कनेक्ट मतलब कि दोस्तों ये स्कॉलरशिप के, अगर आप फिलअप नहीं करते हैं और आप अपना पे मेल पढ़ने जाते हैं, लेकिन ये 1 ईयर से ज़्यादा का ईयर गैप नहीं है और 60% आप कवर कर रहे हैं, तो आपको कनेक्ट मतलब कि वहाँ पर मोर देन 40+ कॉलेजेस है बांग्लादेश में, आप उस कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर नेपाल में सीट बुकिंग नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में सीट बुकिंग होता है, और सीट बुकिंग अपने कोई भी कंसल्टेंट वगैरह से आप करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एमबीसी का फॉर्म भी नहीं फिलअप करते हैं, अगर बांग्लादेश आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपको पासपोर्ट कंपलसरी है। इसीलिए मैं कौन सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बांग्लादेश में इंटरेस्टेड है तो आप पासपोर्ट बना कर रखें, या क्योंकि अगर जो भी वहाँ का फॉर्म खुलेगा उसके बाद आपको जल्द से जल्द वहाँ पर पासपोर्ट बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा आपको। दूसरा बात क्या रही दोस्तों, बांग्लादेश के फॉर्म में भी पासपोर्ट लग रहा है, और इंडियन एम्बेसी का भी जो फॉर्म आता है नीट
के थ्रू आपको कोई जो भी सीट मिलता है सेल्फ ट्रेड में, सेल्फ फाइनेंस में, तो उस सीट के लिए भी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पासपोर्ट कंपलसरी है, पासपोर्ट होना जरूरी है। तो सो अगर पासपोर्ट बना लेते हैं भी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये बात रही करने के लिए बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में अगर आप जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि बांग्लादेश में आपका जो भी रहना खाना सब कुछ इंक्लूड कर कर वहाँ का ऑलरेडी कॉलेज का फी आपको देखने को मिलेगा। कॉलेज के बारे में डिटेल आप पता कीजिए गूगल पर, या दूसरे दोस्त वगैरह है जो पढ़ रहा है उस यहाँ पर जो बेस्ट है, या जो भी सीनियर आपका पढ़ रहा है वहाँ पर जो भी बेस्ट कॉलेज है उसके पता कीजिए, और उसके बाद आप जो भी कंसल्टेंट वगैरह को आप वो कॉलेज के बारे में इंक्वायरी कीजिए, कितना फी रह गया, खाना रहने खाने का क्या है, क्या प्रोसेस है, उनसे इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। दोस्तों अगर आप भी बांग्लादेश में जाने के इंटरेस्टेड है तो हम लोग भी हेल्प आउट कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे बांग्लादेश के बारे में उतने क्लियर कट आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास जो हम लोग कोलाबरेशन में काम करते हैं तो कोलाबरेशन वाले आदमी से हम आपको संपर्क करवा देंगे, वहाँ से आप डिटेल में इंक्वायरी ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो सो गाइस फाइनली अगर आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश में इंटरेस्टेड है तो हमें आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर आप हमके एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।